हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मैं युगल भैसारे, लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमने पिछले बार पढ़ा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी 2D प्रोजेक्शन, ठीक है। उसमें आपको मैंने 3D का 2D व्यू बनाना सिखाया था। इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के जितने भी बेसिक कंटेंट्स रहेंगे सभी को समझ जाएंगे, और ये रहे आपके POs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। इट इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच ऑल थ्री डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर शोन इन वन व्यू एंड इफ रिक्वायर्ड देयर एक्चुअल साइजेस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, सिंपल सी चीज है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी क्या था? मैंने आपको बताया था कि 3D का मतलब 2D में कन्वर्ट करना। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी ये होगा कि आपको 2D ड्राइंग दी रहेंगी और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3D ड्राइंग में, ठीक है। 2D ड्राइंग को 3D ड्राइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच ऑल द थ्री डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर शोन। मतलब तीनों के तीनों डायमेंशंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के तीनों भी डायमेंशंस एक ही डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे, एक ही व्यू में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको हम बोला जाएगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड देयर एक्चुअल साइजेस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट। अगर हो सके तो हम उसके एक्चुअल साइज भी मेजर कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिपिकल कंडीशन, इन दिस 3D ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल द थ्री डायमेंशंस नल एक्सिस आर मेंशन एट एन इक्वल इंक्लिनेशन विद ईच अदर 120 डिग्री। तो बेटा ये ध्यान में रखना कि जब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है कि जो उसके तीनों एक्सिस होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों भी एक्सिस 120 डिग्री से इंक्लाइन होते हैं। कितने? 120 डिग्री से इंक्लाइन होते हैं। सो द 3D ड्राइंग कैन बी ड्रॉन इन न्यूमरस वेज एज शोन इन बिलो ऑल द। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3D ड्राइंग को हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? तो देखो, इस प्रकार से ही बना सकते हैं। यहाँ पे आपको तीन एक्सिस दिख रही है, एक्स वाई जेड, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन ऑल दिस ड्राइंग्स, ये तीनों भी ड्राइंग सही है, ठीक है। और इन तीनों भी ड्राइंग को हम क्या बोल सकते हैं, 3D ड्राइंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन डायमेंशन है। या फिर इसको फोटोग्राफिक व्यू भी बोल सकते हैं, या फिर इसको पिक्टोरियल ड्राइंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से पिक्चर है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो कि ये H, ये L और ये D, ये तीन एक्सिस दिख रही है आपको नाम से, आप अपने नाम हिसाब से एक्स वाई जेड भी बोल सकते हो, तो इनका कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्राइंग कुछ अच्छी स्पेसिफिक दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी छोटी दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी आड़ी टेढ़ी दिख रही है। ये पिक्टोरियल ड्राइंग है, ये 3D ड्राइंग है, लेकिन इसमें एक्सिस का कोई भी उसने डेफिनेशन नहीं दिया है कि ये स्पेसिफिक नहीं किया है उसको, ठीक है। इसीलिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया गया, और जिसमें क्या कहा गया, नाउ ऑब्जर्व द गिवन बिलो फिगर। देखो यहाँ पे क्या किया, वन कैन नोट स्पेसिफिक इंक्लिनेशन अमॉन्ग एच एल एंड डी एक्सिस। आइसो एच एल और डी जो है इनका बीच का जो है उन्होंने एक स्पेसिफिक रिलेशन बना के दिया, ठीक है। इसमें क्या बोला कि आइसो मीन्स सेम, सिमिलर और इक्वल, मतलब ये जो तीनों एक्सिस रहेंगे ये तीनों भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, और वो कितने डिग्री पे रहेंगे, 120 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब इन तीनों का भी जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 120 डिग्री, और उसको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पर भी इनका जो इंक्लिनेशन रहेगा एक दूसरे के साथ वो 120 डिग्री रहेगा, ओके। तो
द पर्पस ऑफ आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग इज टू अंडरस्टैंड ओवरऑल शेप साइज एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन। अब इसका हमको यूज क्यों करना है? क्योंकि आप बोलोगे सर आपने तो 2D ड्राइंग में बोला था कि इंडस्ट्री में सिर्फ 2D ड्राइंग यूज हुआ जाता है। नहीं बेटा, 2D के साथ साथ 3D ड्राइंग भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। मान लो अगर कोई अनस्किल्ड लेबर है आपके हाथ के नीचे और आपको उसको आपका ड्राइंग समझाना है, उसको 2D ड्राइंग बराबर से रीड करना नहीं आया, तो वो क्या करेगा, 2D ड्राइंग को देखते हुए 3D ड्राइंग भी सिमिलरली वो देखते रहेगा। तो आपकी जो लास्ट में ड्राइंग शीट बनती है उसमें आप 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग दोनों भी एक इसमें पेस्ट करके देते हो, ठीक है, जिसको बोला जाता है ड्राफ्टिंग शीट। क्या बोला जाता है? ड्राफ्टिंग शीट। तो पर्पस क्या है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का? आइसोमेट्रिक ड्राइंग के वजह से आप उसका ओवरऑल शेप, उसका साइज और लास्ट में वो किस प्रकार से दिखेगा, ये सब आप लोग पहचान सकते हो। कब? प्रोडक्शन करने से पहले, प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी चीज का आप प्रोडक्शन करने से पहले आप उसका शेप साइज अपीयरेंस पहले ही सोच सकते हो, इसलिए आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आना जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं इसके वाले। आइसोमेट्रिक एक्सिस, लाइंस और प्लेन्स क्या क्या होते हैं? तो एक ड्राइंग यहाँ पे मैंने बनाया है, इसमें मैंने इसको बोला है पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे एच लाइन दे दिया, यहाँ पे एल दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया। ओके, अब द थ्री लाइन्स ए एल ए डी एंड ए एच मीन्स एट अ पॉइंट ए एंड मेकिंग एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर आर टर्म्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो यहाँ पर देखो ये जो तीन लाइन्स बनाए मैंने एल डी एच, ये क्या है, तुम्हारी एक्सिस है जो कि 120 डिग्री से इंक्लाइंड है। कितना? 120 डिग्री से क्या है, ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से। ओके, आप इसको एक्स वाई और जेड भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द लाइन्स पैरेलल टू दिस एक्सिस आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक लाइन्स। अब देखो इस लाइन के साथ पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है ना, ये एल वाली लाइन के साथ ये पैरेलल लाइन्स है, समांतर लाइन। इस लाइन के साथ समांतर लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो ये जो लाइंस हम बना रहे हैं, जो पैरेलल लाइंस हम बना रहे हैं, ये सारी पैरेलल लाइंस जो बन रही है इनको बोला जाता है आइसोमेट्रिक लाइंस, ठीक है। द प्लेन रिप्रेजेंटिंग द फेसेस ऑफ द क्यूब एज वेल एज अदर प्लेन्स पैरेलल टू दिस प्लेन्स आर कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक प्लेन। मतलब देखो प्लेन का मतलब क्या हुआ, एक एक बॉक्स समझ लो, ये वाला बॉक्स समझ लो, है ना। इस बॉक्स के ऊपर दो एक्सिस आ गई, ये बॉक्स के पैरेलल भी नीचे का एक बॉक्स होगा, होगा, तो इसको क्या बोला जाता है, ये प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर आपकी एक्सिस आ रही है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। जो फेसेस हो गए आपके क्यूब के, जो फेस हो गए आपके क्यूब के, उसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेट्रिक स्केल। तो आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है? व्हेन वन होल्ड्स देन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट ऑल द 3 dimensions आर विजिबल, देन इन द प्रोसेस ऑल dimensions बिकम प्रोपोर्शनली इंक्लाइन टू ऑब्जर्वर्स आईज साइट एंड हेंस अपियर अपरेंट इन लेंस। बहुत ही बड़ा डायलॉग है ना। सिंपल मैं बताता हूँ बेटा आपको क्या होता है कि जब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं, मतलब 3D ड्राइंग जब बनाते हैं, तो उसका एक्चुअल शेप, एक्चुअल डायमेंशंस हम बना नहीं पाते हैं, ठीक है, उसको हम प्रॉपरली बना नहीं सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम इंजीनियर्स ने एक स्केल बनाई, जो एक्चुअल तुम्हारा जो डायमेंशन होगा उससे कुछ तो भी कम रहेगा। अब आपका डायमेंशन कम हो गया तो उसके वजह से क्या हो गया, आपके पास ज़्यादा स्पेस बढ़ गई, तो जितनी ज़्यादा स्पेस बढ़ेगी आपका डायग्राम उतना प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए उस एक स्केल बनाई गई, तो उसको क्या बोला गया, आइसोमेट्रिक स्केल। अब कितना कम करना पड़ेगा आपको आपकी ड्राइंग से, तो उसका एक बेटा बहुत बड़ा डेरिवेशन है, अपने को डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है।
तो वो इतना जो वैल्यू है 0.815 या फिर 9/11, दोनों को भी आप डिवाइड कर 9/11 को डिवाइड करोगे तो 0.815 ही आएगा। तो कितना अपने को कम करना है ड्राइंग के साइज को, 0.815। सो ये जो स्केल फॉर्म होती है उसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो हमारी ड्राइंग होती है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, तो उसका जो साइज रहता है वह एक्यूरेट नहीं बनता है, हमें एक्यूरेट नहीं दिखता है। ठीक है, उसको ओवर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, हमारे ऑब्जर्वर को बराबर दिखाई देने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल बनाई है, जिसके वजह से क्या होता है, हमें हमारी जो ड्राइंग है प्रॉपरली दिखती है। ठीक है, तो उस स्केल को बोला जाता है आइसोमेट्रिक स्केल। और अगर आपको किसी ने पूछा कि उस स्केल को कितना रिड्यूस करना पड़ता है, तो आप बोलोगे 0.815 से उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये आइसोमेट्रिक स्केल मैं कैसे बनाते हैं ये भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो मैंने आपको बताया है दो प्रकार की ड्राइंग रहेगी, एक आइसोमेट्रिक व्यू और एक रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आपको पेपर में दोनों भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू से भी आ सकते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि आइसोमेट्रिक व्यू से आने के क्वेश्चंस आपके 90% है। ठीक है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से बहुत ही कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू में आपको जो ट्रू स्केल है, मतलब आपकी जो स्केल आप यूज़ करते हो, है ना, वो वाली स्केल का यूज़ करना पड़ता है। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में रिड्यूस डायमेंशन, मतलब जो आइसोमेट्रिक स्केल जो अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा, ये वाला, इस स्केल का यूज़ करके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आइसोमेट्रिक व्यू में हमने जो डायग्राम बनाया है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो ड्राइंग बनाया है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। अब ये क्यों छोटा दिख रहा है? तो वो आइसोमेट्रिक स्केल के वजह से होता है। अब ये स्केल क्या होती है, देखो ये कुछ मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया, ये देखो ये वाला, तो ये इसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक स्केल। तो इसको भी बनाने की एक टेक्निक होती है, इसका वीडियो मैं इसके तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा अगले दिन, है ना। अब इसमें देखो क्या है, एक एंगल बना है 30 डिग्री, एक एंगल बना है 45 डिग्री। ठीक है, ऊपर की जो है आपकी वो है मेन स्केल, मतलब आपकी ओरिजिनल स्केल, और उसको जब आप रिड्यूस करते हो इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल मिलती है। और फिर हम इस डायमेंशन, ये नीचे वाली जो स्केल है, इसका उपयोग करते हुए हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक स्केल का उपयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ, तो आप व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ, तो आप क्या करोगे, आपकी नॉर्मल स्केल का यूज करोगे। और अगर बोला जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाओ, तो प्रोजेक्शन बनाना रहेगा, तो आप क्या करोगे, ये स्केल बनाओगे और इस हिसाब से फिर डायमेंशन ड्रॉ करोगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, हमने क्या पढ़ा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, समरी क्या थी आज की, हमने क्या पढ़ा कि बेसिक्स ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग और प्रोग्राम आउटकम्स, ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहना स्केल पेंसिल लेके। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।